जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक बार सच्चे श्रद्धा के साथ जय श्री राम जरूर बोलें। और आज का वीडियो एक छोटा सा उपाय है। ये उपाय बिल्कुल सटीक है। मैं इसे बहुत ही आराम से आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि इसको आपको समझ में, अच्छे से समझ में आ जाए और इसका 1000% रिजल्ट जो है वो आपको ज़रूर मिले। आप किसी भी शास्त्री या पंडित के पास जाएंगे, आपसे वह सिर्फ पत्रा दिखाने का पैसा लेगा, आपके 100 रुपये, 500, 1000 रुपये ले लेगा, लेकिन आपको उसका कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो उपाय जो स्वयं गुरुजी ने अपने एक भक्त को पर्चा बनाकर बताया, जिसे मैं यहाँ आप सभी को बताने वाली हूँ, और इसमें आपके किसी भी तरह के पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, कोई आपका रुपया पैसा नहीं लग रहा है। बस आपको ये उपाय सच्ची श्रद्धा और सन्यासी बाबा पर विश्वास के साथ करना है। हमारे जो चैनल का मकसद ही है सनातन धर्म को आगे ले जाना, और सनातन धर्म के जो भी उपाय हैं उन सभी का सटीक रिजल्ट आप सभी तक पहुंचाना। तो इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। जिनके पास खुद का मकान नहीं है और जिनके पास मकान है, किराए का मकान है, और अपनी प्रॉपर्टी वो बनाना चाहते हैं, वे इस उपाय को जरूर करना। कुबेर का धन की प्राप्ति आपको इस उपाय से हो सकती है। इस उपाय को करके देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस उपाय को आप चाहे मजाक सोचो या सच मानो, ये आपकी मर्जी है। मैं ये उपाय आपको खुद करके नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने करके देखा हुआ है और मुझे इसका 1000% रिजल्ट भी मिला है और आपको भी मिलेगा। अगर आप सच मानोगे तो ये उपाय करोगे तो आपको फल मिल जाएगा। और अगर आप सोचोगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये उपाय कुछ फालतू का कुछ भी उपाय बता रही है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, तो फिर वो आपकी खुद की गलती है, इसमें आपका अपना खुद का नुकसान है। एक बार मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप एक बार इस उपाय को करके देखना, 1000% आपको इसका रिज़ल्ट मिलने ही वाला है। वो आज अपने मकान में बैठे हैं, जिन्होंने भी इस उपाय को किया है वे सभी आज अपने खुद के मकान में बैठे हुए हैं। एक बार करके देखो। एक व्यक्ति ने ये उपाय किया था अभी 2 महीने पहले और उसने अपने पड़ोस वाला जो प्लॉट है उसे खरीद लिया है। गुरुजी की कथा में आकर उसने अपने इस चमत्कारी फल के बारे में बताया है। पिछले 3 साल से वो अपनी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहा था। घर का वो बड़ा बेटा था, 3 बेटे थे, वो सबसे बड़ा था। कमाई तो होती थी लेकिन पैसा टिकता ही नहीं था। हमेशा कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत आती थी और सारा पैसा खर्च हो जाता था और सारी कमाई चली जाती थी। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय उसने किया और इसका जो परिणाम है वो चमत्कारी परिणाम मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप खुद करके देखिएगा, आपका इसमें कोई समय भी खर्च नहीं हो रहा है। एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी धाम, जय सन्यासी बाबा जरूर बोल दीजिए। अब इस उपाय के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको जान लेना है कि सामान क्या क्या है। तो पहले आप ये सामान मार्केट से खरीद कर लाएं, फिर ये उपाय आप करें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके घर के आसपास कीड़ी नगरा कहाँ पर है। जहाँ पर कीड़ियाँ निकलती हैं, जहाँ चींटियाँ निकलती है, उसे कीड़ी नगरा कहा जाता है। दूसरा आपको यह देखना है कि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ कहाँ पर है, कितनी दूर पर है। जो आपके सबसे नज़दीक हो उस पीपल देव के पास आपको ये उपाय करना है और वहाँ पर जाकर सतनजा, जो बोलते हैं सतनजा, अगर आप समझते हो, मतलब कि आप किराने की दुकान पर या किसी भी दुकान पर आपको जाकर बोलना है कीड़ियों की जो दवा होती है वो चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं जानती कि आप किस गांव या किस शहर या फिर किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप सतनजा को आप रोज़ सुबह उठकर चाय पीने से पहले आपको बस सतनजा को खरीद कर लाना है। और रोज़ सुबह जब आप उठते हैं, खाना खाने से पहले, चाय पीने से पहले, सबसे पहले उठकर आपको यही काम करना है, कीड़ी नगर में जाकर के आपको इसको डाल देना है। ये तो हुआ आपका पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरा उपाय। तो दूसरा क्या है, सतनजा जो है उसको पीपल के वृक्ष के आसपास आप जरूर थोड़ा सा डाल कर आएँ। वहाँ पर जो पेड़ के आसपास में एक जो दहलीज जैसी बनी होती है, डोली जैसी, उस पर जाकर आपको इस सतनजा को डाल देना है। ये उपाय जरूर करना, आपको इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है दोस्तों। एक और चमत्कारी उपाय है जिससे तुरंत ही आपके काम बनने लग जाएंगे। वो उपाय क्या है, वो ये है कि नारियल का गोट। नारियल का गोट आप समझ पा रहे हैं, नारियल के अंदर जो निकलता है उसे नारियल का गोट कहा जाता है।
तो नारियल का जो गोट है उसे आपको ले लेना है, और उसके बीच में दो गोट के बीच में आपको सतनजा को डाल दें, और 1 रुपए का सिक्का भी आप उसमें डाल दें, और जहाँ पर भी कीड़ी नगरा निकलता है वहाँ सुबह के समय जहाँ कीड़ी नगरा निकला है उससे आधा फुट की दूरी पर, थोड़ा दूर पर, मतलब कीड़ी नगरा सुबह के समय ही ज़्यादा निकलता है, तो उसके निकलने से पहले 8-10 फुट की दूरी पर आपको मिट्टी को खोद कर वह नारियल का जो गोट है जिसमें आपने सतनजा और 1 रुपए का जो सिक्का है डाला था वो आप उस मिट्टी के अंदर डाल दें। तो जैसे ही कीड़ी नगरा निकलेगा तो क्या करेगा, जैसे ही वो निकलेगा तो वो उसी रास्ते से निकलने लगेगा, और जैसे जैसे सतनजा खत्म होगा आपके घर में धन की बरकत होनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय मैंने बिल्कुल फ्री में आपको बताया और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है। आप स्वयं कथा में भी सुन सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समय चाहिए रहेगा, ज़्यादा देर की कथा आपको सुननी पड़ेगी तब आपको ये उपाय मिलेगा, इसलिए मैंने आपको छोटे रूप में बताया है, आप बस ये कर लीजिए। और एक और बात मैं आपको बता दूँ और आप ये जान लीजिए कि शनि देव महाराज जो होते हैं, जिस व्यक्ति पर वे भारी होते हैं, जिनके हमेशा परेशानी चलती रहती, कोई ना कोई दिक्कत ही होती रहती है, शनि की जो ढैया है, शनि की जो 7.5 है हमेशा चलती रहती है, कोई भी काम बनते ही नहीं है, घर में दिक्कत पर दिक्कत आती ही रहती है, कोई मतलब घर में मानसिक तनाव हमेशा चलता रहता है, बने हुए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि सतनजा जो है 1 रुपए वाला, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले उपाय बताया है कि गोट के अंदर आपको 1 रुपए का सिक्का डालकर आधा फुट दूरी पर डालना है, आपने अगर नहीं सुना हो तो फिर से सुन लीजिए, उसको बहुत ही चमत्कारी उपाय है, उसको आपको थोड़ी देर इस उपाय को फिर से करना है, और वो आप अगर करोगे तो शनि का जो आप पे भार है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और एक और उपाय है, काले तिल और लोहे की कील, ध्यान से सुनिएगा, काले तिल और लोहे की कील या सिक्का जो होता है उसे तेल के साथ हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर आप जरूर चढ़ाएं। ऐसा आपको कितने दिन करना है, पूरे 21 शनिवार, ध्यान से सुने, 21 शनिवार आपको जाकर के काले तिल और लोहे का कील या फिर एक सिक्का जाकर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 2.25 महीने पूरे होंगे उसके बाद जो भी अगला सोमवार आएगा उस दिन आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, बस उस सोमवार से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपके घर की बरकत होनी शुरू हो जाएगी, आपका खुद का मकान होगा 2.25 महीने के अंदर। ये बात मैं बिल्कुल सटीक उपाय के साथ आपको बता रही हूँ, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस उपाय को ज़रूर करें, एक बार इस उपाय को करके देखोगे आपको इस उपाय का तुरंत ही 2.25 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। किराए के घर का जो भी आपका झंझट है वो छूट जाएगा, आप अपने घर की छत के घर में, मकान में आ जाएंगे, बहुत ही अच्छा उपाय है, आप करिएगा ज़रूर, और इसका जो परिणाम है वो आप दूसरों को भी बताइएगा, इस जो वीडियो को है दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी का अब छोटा ही सही अपना घर ज़रूर हो, और जिनके पास छोटा घर है उनको बड़ा घर मिल जाएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा एक अच्छा सुंदर सा घर ज़रूर हो। तो इस उपाय को आप स्वयं भी कीजिए, अपने दोस्तों परिजनों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम, हरिओम सीताराम।